लोयाबाद मोड़ पर रविवार को शहीद राजू यादव की 30वीं पुण्यतिथि व श्रद्धांजलि सभा मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, विशिष्ट अतिथि के रूप में शहीद राजू यादव की धर्मपत्नी सह बिहार सरकार की पूर्व मंत्री आबो देवी और उनके पुत्र सह आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह राजू यादव स्मारक समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार यादव सहित अन्य नेतागणों ने शहीद राजू यादव की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि व श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जलेश्वर महतो ने कहा कि कंपनी चाहती है कि गोली बम चलाकर यहां अपना काम कर लेंगे तो वे सपना देखें। यहां के लोग अब जाग चुके हैं, उनकी मनमानी अब यहां नहीं चलेगी। गांव वाले से बातचीत कर समस्या का निदान कर लेते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन बम गोली चलाकर काम करना चाहते हैं तो डटकर विरोध होगा। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप विधायक ढुंडू महतो के द्वारा सोची समझी साजिश है। हरिजन एक्ट लगाना, महिला एक्ट लगाना, सभी एक्ट वही जानते हैं। आज घटना हुए 3 दिन बीत गए हैं और मामला दर्ज आज हो रहा है। इसमें प्रशासन से अपील करता हूं कि मामले की जांच करें। आबो देवी ने कहा कि आज जिस तरह से 30 साल से आप लोग का साथ मिल रहा है, उसी के दम पर ही माफियाओं से लड़ते हैं। जिस तरह जंगल में बाघ रहता है, उसी तरह से धनबाद में माफिया रहता है। और ये माफिया किसी का नहीं है। जिस तरह गोहमन सांप का बच्चा गोहमन ही होता है, उसी तरह माफिया का बच्चा माफिया ही होता है। आने वाले चुनाव में कोई भी माफिया का साथ ना देकर एक गरीब का बच्चा का साथ दे। अवधेश कुमार यादव ने कहा कि पिताजी के बताए कदम चिन्ह पर चलना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश यादव व संचालन मुकेश पासवान ने किया। इस मौके पर रवि चौबे, मानस चटर्जी, रामप्रीत यादव, राजकुमार महतो, प्रभात राय, संजय यादव, राजू यादव, लखन यादव आदि दर्जनों नेतागण समेत लोग मौजूद थे। जिस समय विपरीत दिशा में थे हम लोग, उसके भी हम आए हैं। आए तो हम लोग एक दिशा में। इनका सोच पत्रिका, हमारा पत्रिका सोच एक है। हम लोग सब मिलकर यहाँ के ये माफिया संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। थक के खाने वाले को सम्मान कैसे मिलेगा, इसको अधिकार कैसे मिलेगा, इसको रोजगार कैसे मिलेगा, इस सवाल पर हम लोग चिंतित हैं। वर्तमान स्थितियों में जैसा कि विगत शुक्रवार को लोयाबाद के कंकनी काटा घर के समीप बमबाजी की घटना, मैंने ये बात कह दिया है पहले ही। मैं ये बात कि यह जो कंपनी अगर चाहती है कि गोली और बम चला के यहाँ चला लेंगे तो वो सपना देखे। यहाँ के मजदूर जाग चुके हैं, यहाँ के नौजवान जाग चुके हैं, उनकी मनमानी हम नहीं चलने देंगे। बातचीत करके गाँव वाले से अगर समस्या का निदान करके चलाना चाहते हैं तो स्वागत है, और अगर बम गोली से चलाना चाहते हैं तो उसका डटकर विरोध होगा। राजनीति की इस लड़ाई में क्षेत्र के लोगों को नियोजन कब तक मिल पाएगा, किस तरीके से मिलेगा? क्षेत्र के लोगों की लड़ाई के लिए ना ये आंदोलन चला रहे हैं। क्षेत्र के लोग आश्वस्त कैसे होंगे कि आप ही उनको नियोजन दिलवा सकते? मेरे राजनीतिक जीवन का एक चरित्र है, आपको शायद नहीं जानकारी है। तो यह जो चरित्र है, चरित्र से ही जो आउटपुट मिलता है। मैं जहां कहीं भी आंदोलन किया हूं, चाहे मधुबन में किया हूं, चाहे बेनीडी में किया हूं, सोनाटी में किया हूं, भावरा में किया हूं, एरिया नंबर 12 में किया हूं, या गोधर में किया हूं, तो जहां कहीं भी आंदोलन किया हूं तो वहां के लोगों को रोजगार मिला है। उसके बाद ही हम आंदोलन से हटे। हम जब आंदोलन छेड़ते हैं तो हटने के लिए नहीं। देखिए, ये तो जो है एक सोची समझी नीति के तहत, ये तो ढुल्लू महतो का पुराना आदत है। हरिजन एक्ट लगाना, महिला एक्ट लगाना, दूसरा कोई नहीं सब जानता। कोई दूसरा आदमी ये एक्ट को जानता भी नहीं। तो आज मान लीजिए घटना हुए 3 दिन बाद आज एफआईआर हो रहा है, तो कितना मनगढ़ंत बात ये है। हम तो यही अपील कर रहे हैं प्रशासन से, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और पर्याप्त साक्ष्य है कि हम कहाँ थे, हमारे लोग कहाँ थे, ये सारा सच है। जरूरत पड़ेगी तो साक्ष्य हम लोग देंगे। भाभी से ले लो।